मस्जिदों में
बरो खान खाए किधर वे बुद पीरो खाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई वाजिबुल इहतराम हजरत उखाज सैयद फरीद अहमद खासमी बार बरादरान सिलसिला साथियों अल्लाह ताला का बेहद शुक्र शान है कि हमारे मरकज खानकाह निज़ामिया गुरुद्वारे सईदिया पर दर्स तरीकत सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के उनवान के तहत आज ये 25वीं नशिस्त सजाई जा रही है। शबे जुमा में जबकि सईदुल अय्याम जुमे की आमद मगरिब के बाद जुमे की आमद का सिलसिला शबे जुमा में भी तैयारी का सिलसिला शुरू हो जाता है जो कि दिनों में सबसे बड़ा दिन है। कुरान में अल्लाह ताला जुमे को जुमे की फजीलत को भी नुमाया करता है। हमारा खुश नसीब है कि यह खुश नसीबी इस अंदाज में हमारे हिस्से में आई कि हमारे शेख काजी शाह शफी अहमद फारूकी जामिया दौरा साकिन मदीना मुनव्वरा ने इस अंदाज में शबे जुमा में महफिल के इनेकाद का हुक्म दिया और हम और आप खुश नसीब हैं कि इस अंदाज में हर जुमेरात शबे जुमा में हम यहाँ जमा होते हैं। ये इसकी फजीलत और अफा के यहाँ अहले तरीक़त के यहाँ अहले सलासिल के यहाँ सदियों से बराबरी है। जो अहले सिलसिला है जो अहले तरीक़त है जो खुदा शनासी और खुद शनासी के सफ़र में है वो हर दौर में इस दिन इस शब को इसी अंदाज में मनाते हैं। पूरी पूरी रात क़याम का सिलसिला होता है, जबलों की अदायगी का सिलसिला होता है, कि तहज्जुद के वक्त वो हवा चलती है जो बंदे को रब से मिलाने का खास अंदाज में उसके दौर का सिलसिला भी अहले अहले इल्म और अहले नज़र के हिस्से में आता है। जब वो क़याम करते हैं करते हैं तो अल्लाह को राजी करने के लिए अपने आप को अपने नफ्स को बांध कर खड़े होते हैं तो फिर होता क्या है कि फिर वो नजर आता है जो हम आम तौर पर देखने में अकली तौर पर नहीं आता। शबे जुमा के तमाम जितनी सातें भी हम यहाँ पर हैं यकीन रखने की बात है कि अल्लाह के खुसूसी फजल के तहत हैं। खुसूसी इनाम है ये इंसादत फजूर बाबूनीज बख्शन खुदाए बख्शंदा कि अल्लाह ताला के खुसूसी फजल ही की बुनियाद पर होता है कि फरो और जाहिर परस्ती के दौर में जब दुनिया भागी चली जा रही है कुछ दीवाने बहरहाल ऐसे हैं कि जो अपना वक्त निकालते हैं यहाँ आकर बैठते हैं अल्लाह की सोबत इख्तियार करते हैं क्योंकि सोबत इख्तियार करने के हवाले से यक जमाना सोहबत बाउलिया अल्लाह की कुछ लम्हों की सोहबत कुछ लम्हों की सोहबत की बात की जा रही है। यह जमाना सोहबते बाओलिया बेतरस सत साल का और बेरिया के बगैर रिया की प्योर 100 साल की इबादत से भी चंद लम्हों की अल्लाह की सोहबत ज्यादा मोतबर है अल्लाह की बात में। तो इस सब 24 हफ्तों में मुख्तलिफ शख्सियात की हयात को मार्ग बयान में लाने का इस्तेमाल किया गया और मैं गुज़श्ता हफ्तों से ऐलान कर रहा था कि आज की नशिस्त के हवाले से हज़रत शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पर गुफ्तगू ये महफिल सजाई जाएगी। अलहम्दुलिल्लाह आज मंजिल पर है कि एक खास शख्सियत पानीपत की एक खास शख्सियत हज़रत शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह के नवाजीदा हैं जो वालिया रिसालत में मकबूल हैं जो अहलुल्लाह में खास मुकाम और मरतबा रखते हैं और सदियों पर मुहीत है ये सफ़र कि उनका मुकाम और मरतबा मजीद बुलंद से बुलंद होता चला जा रहा है। कोई तो वजह है ना जो मोहम्मद अरबी सादलान से शऊरी इश्क का इजहार दायरे बशरियत के इस दौर में करते हैं तो उनके साथ फिर क्या होता है। मन का लहू जो अल्लाह के हबीब से और अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फिर अल्लाह की मोहब्बत भी उनके शामिल हाल हो जाती है क्योंकि तो इजहार कैसे होता है इजहार होता है कि मखलूक खुदा की जबानों पर उनका नाम जारी हो जाता है। अगर हम दलील चाहिए दलील ये है कि लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत अल्लाह पैदा कर देता है। आज एक खास अदीम शख्सियत शरफुद्दीन बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की तस्करे की मंजिल सजाते हैं। इसमें नामी ग्रामी शरफुद्दीन है
और अल हारून अली शाह कलंदर, वालिद गिरानी जनाब फखरुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह, इराक के रियासत से आपका ताल्लुक है, और खानवादे के एतबार से हजरत अबू हुनैफा, अबू हुनैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानवादे हैं। हुनैफा के नस्ल से हैं, हुनैफा कौन है जिनकी रियासतों का इफ्तिखार के इमाम, इफ्तिखार के इमाम जो बड़े मेहनत करते हैं, तो अल्लाह जो नुकता नवाज है कोई एक नसल मेहनत कर ले तो हम तो ये देखते हैं कि बाप ने माल जमा कर दिया तो औलाद है उठा रही है, बेटियों को भी हिस्सा मिल रहा है, बेटों को भी हिस्सा मिल रहा है, हम जाहिर की बुनियाद पे यहाँ रुक जाते हैं। जो बातनी तौर पर मेहनत करते हैं, जो अल्लाह को राजी करने का फरीजा अंजाम दे लेते हैं, तो फिर क्या होता है, नसल दर नसल ये फैल जारी हो जाता है। इमाम अबू हनीफा ने क्या किया, फिका की तदवीर की, फिका मरतब की, 20 साल तक आपने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। शुरू के सफर में है, कोई दरमियान में है, कोई अगली मंजिल पर है, तो बात ऐसी हो जो सबके समझ में आ जाए। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज आप कैसे हो सकता है, अगर नमाज में दुनिया का ख्याल आया तो नमाज को दोहरा रहे हैं, और अगर उकबा का ख्याल आ रहा है जन्नत का, हूरों का, वलमान का, पुलसराज का और कौसर का, तो सजदे सो कर रहे हैं। अब ये पूरी रात इसी अंदाज में एक ही वजू से गुजर गई कि दुनिया का ख्याल आ रहा है तो नमाज को दोहरा रहे हैं, और उकबा का ख्याल आ रहा है तो सजदे सो करके वक्त गुजर रहा है और फजर की अजानें हो गई। तो 40 साल 20 साल अल्लाह ने इस अंदाज में गुजारी है। अब हनीफा के वाकियात में मैंने पढ़ा कि 20 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज, और तकवे का ये आलम है, तकवे का ये आलम है, फतावे लिख रहे हैं, क़लामा का एक जम्बे गफीर है जो आपके साथ है, और मजबूत कुरान और हदीस के हवाला जात, अपनी जिंदगी को संदाज में ढालने का नमूना, सुन्नत के अहिया का खास फरीदा अंजाम दिया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने। एक मरतबा मदीना मुनव्वरा गए और जाकर फरमाया हुजूर रसूल के, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अस्सलामु अलैक या सैयदुल मुरसलीन सलाम किया अपने जज को हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अदब सलाम। कैसी शख्सियत होंगी जब रियादत और मुजाहदे के बाद जब फल जो है पक जाता है तो मगज बढ़ जाता है, छिलका पतला हो जाता है, जब अपनी नफी कर ली जाती है तो अजबात हो जाता है, जो जबान से वो फ्रिक्वेंसी जाहिर होती है जो उनकी अमूमी तौर पर देखने में नहीं आती। सलाम किया आका की बारगाह में तो जवाब आया वालेकुम अस्सलाम या इमामुल मुस्लिमीन। सुभानअल्लाह, वो भी हम रोजा रसूल से जवाब आ रहा है, किसके हिस्से में, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हिस्से में जवाब आ रहा है। मैंने आज साहब के जज का तस्करा इसलिए किया कि ये इंशाल्लाह मौका आएगा जब इमाम अबू हनीफा गुफ्तगू का तो शराबस पे बयान करेंगे, आज दो तीन वाकयात ले लेते हैं। उसके बाद फिर हुआ यह तकवे का ये आलम है, रियादत का ये आलम है। एक मरतबा एक ऐसे शख्स की मैयत में फिका पर अबूर है, कलाम अल्लाह के कलाम और नबी साहब मुबारका पर एक एक लफ्ज़ पर दस्तरस है, और जिंदगी को संदाज में ढालकर इल्म के आला तरीन अमल का मुशाह इजहार किया जा रहा है। एक ऐसे शख्स की मैयत में दाखिल शामिल हुए, जनाजे में शामिल हुए, घर के साथ शरीफ जनाजा हो रहा था, जब पहुंचे वहां पे तो वो इनका मखलूस था, इंतकाल हो गया। तो गर्मी के दिन बहुत इराक में सख्त तपिश की गर्मी पड़ रही थी, लोगों ने कहा कि ऐसा करें कि इस मकान के साए में आके पड़े। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये शख्स मेरा मखलूस था इंतकाल से पहले, और अल्लाह के नबी का ये फरमान है कि जो माल अगर खर्च दिया जाए उस पर मुनाफा नहीं लेना है, अगर मैं इसके घर के साए में जाकर खड़ा हो जाऊंगा तो ये इस बात की दलील बन जाएगा कि मैंने जो खर्च दिया था उसका मुनाफा साए की शक्ल में वसूल कर रहा हूं। तो लोग सोच लें जो सूदी कारोबार करते हैं और अपने दिए हुए माल पर मुनाफा लेते हैं तो वो किस लेवल का मामला होगा। अल्लाह ने क्या करके दिखाया, फिका की तलवीन के साथ साथ अपने अमल से साबित किया कि उस साए में भी खड़ा होना मेरे लिए रवा इसलिए नहीं है कि वो शख्स मैयत जिसकी है वो मेरा मखरूज था। जहां तो देखें गुफ्तगू ये तो है जब शबे जुमा की, ये सारा का सारा पैगाम है,
सारी सारी तरबियत है। इसमें जिसके हिस्से में जिस लेवल पर भी जो बात आ जाए और हमने उसको शौरी तौर पर अख्तियार कर लिया तो मंजरनामा यकीनन बदल जाएगा। जहाँ से जागे वहीं से सवेरा है। किसी के हिस्से में कोई बात आएगी, किसी के हिस्से में कोई बात आएगी, ये आपकी ज़िंदगी का मामूल है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नबी के नबी सलाम जवाब दे रहे हैं और इमामुल मुस्लिमीन करार दे रहे हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को। आपकी वजह तस्मिया अबू हनीफा जो है, आपकी बेटी का नाम हनीफा था। एक मरतबा इमाम से कुछ खवातीन की नशिस्त हुई, कुछ सवालात पूछने के हवाले से खवातीन आ गई, जैसे फिसा के सवाल, शरीयत की तशरीहात के हवाले से। तो ख़वातीन ने यह सवाल किया कि क्या वजह है कि शरीयत मुताखरा में मर्दों के लिए चार निकाह की गुंजाइश है, चार निकाह मत कर सकते हैं, जबकि ख़वातीन को भी होना ये चाहिए था कम से कम दो निकाह तो कर देती। सवाल है किसी भी जहन से किसी और उठ सकता है, तो जवाब वही देता है जो इल्म की आला तरीन ही मंजिल पर होता है। इस सवाल में कुछ ऐसी खास पेचीदगी थी कि इमाम भी समझ के लिए थोड़ा से सस्ता सा हो गया। क्या सवाल है? बस ठीक है, तो अभी जाओ सारे के सारे, कल आना तो सोच के बताऊंगा। उसी कैफियत में घर के अंदर जाते हुए तो आपकी जो बच्ची थी, आपकी जो बेटी थी हनीफा जिसका नाम था, ये बाबा जान क्या वजह है क्योंकि परेशान कर रहे हैं आप? क्या बेटा ऐसा की बात है, सवाल किया है खबर के लिए? एक सूरत है, मेरे जहन में इसका जवाब है। जब तरबियत होती है, मेहनत की जाती है, तो नस्लों में जो मौजूद है उन पर भी और जो आने वाले हैं उन पर भी असर हो जाता है। तो बच्ची ने फरमाया करके बाबा यार अगर एक सूरत है इसका जवाब मैं दे सकती हूँ, इसकी शर्त है कि आप अपने नाम के साथ मेरा नाम शामिल करेंगे। आप जिस मामले में परेशान हैं, तरद्दुद का शिकार हैं, इश्काल पैदा हो रहा है, तो सवाल की नवीयत ऐसी है भाई कि क्या वजह है, और शरीयत का मामला है और आइंदा पूरे हनफिया सिलसिले में पूरा एक सिलसिला चल पड़ सकता है। सवाल वो सवाल की अंदाज ही ऐसा है कि जवाब तो सब कुछ होगा आइंदा। तो बच्ची ने कहा, उस खातून ने, उनकी बेटी ने कहा कि अगर आप मेरे नाम को अपने नाम के साथ शामिल करने का वादा करें तो मैं इसका जवाब आपको दे सकती हूँ। खुशगवार हैरत हुई, खुशी हुई कि मेरी तरबियत में एक ऐसी बच्ची मेरे घर के अंदर मौजूद है जो सवाल का जवाब दे सकती है। अहलुल्लाह जब मेहनत करते हैं तो उनके घरों में ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है, उनकी औलाद में ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है कि मुश्किल तरीन गुत्थियों को सुलझा लिया जाता है। हाँ बेटा कैसे? कहने लगे ऐसा कीजिए, उस खवातीन को मेरे पास भेज दीजिए, मैं जवाब दे दूँगी। सारी खवातीन को बुला लिया गया, जमा हूं। उस खातून ने, उस जीरक और समझदार साहिब फहम साहिब तादब्बुर उस लड़की ने, हनीफा ने ये किया कि ऐसा करो कि मुख्तलिफ प्याले दिए कि अपना शीर जो है दूध उसमें जमा। तो खवातीन को अलग अलग प्याले दिए गए, जमा कर लिया गया, लेकिन बड़े प्याले में उस तमाम दूध को मिला दिया गया। अब कहा कि ऐसा करो इसको अलग करके खाओ, हम तो आदि हैं, हम नहीं कर सकते, दूध तो सारा मिल गया, अब उसमें हम अपना कैसे है, किसका क्या है, कैसे कर सकते हैं? इसीलिए अगर औरत को दो निकाह की इजाजत दे दी जाए तो औलाद किस से है इसका तायुन नहीं हो सकेगा, इसलिए ये शरीयत में मुमकिन नहीं है। वो अला कुल शैइन कदीर है, वो हर शय पर कादिर है, वो कभी नहीं चाहेगा कि खलीफतुल्लाह की तस्वीर बिगड़ जाए। और तुम अगर खुद बिगाड़ लो तो बात और है, तुम खुद अपने आप को जहन्नम के हिसाबों के हवाले कर दो वो तो बात और है, वरना वो तो 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो तो 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो कब चाहेगा कि खलीफतुल्लाह की शक्ल जो है, शबाहत जो है वो बिगड़ जाए। ये मुख्तसर सा तआरुफ है इमाम अबू हनीफा और आप। इसलिए आइंदा के लिए आपको नमान बिन साबित, आपके वालिद साहब का नाम है नमान, आपका नाम है नामी, इसमें ग्रामी है, नाम से लोग कम जानते हैं और सब यही कहते नजर आते हैं अबू हनीफा अबू हनीफा अबू हनीफा। एक अदा अल्लाह को उस बच्ची की ऐसी पसंद आई, एक अदा है ना कि शरा में शरीयत की तशरीह के हवाले से जहां जहां जो भी मकतबे फिक्र लिख रहा है पढ़ रहा है वो उसको याद कर रहा है, किसको याद कर रहा है, हनीफा को याद कर रहा है। किस बुनियाद पर? उसकी तदब्बुर और फरासत और खुदा शनासी और शरीयत मुताहरा पर तदबीर से मसले को हल करने की बुनियाद पर कयामत तक के लिए अल्लाह नाम जारी कर दिया। तो सोचने की बात तो यही है कि अगर हम भी अखलास नीयत के साथ शामिल हाल हो जाएं, अपने आप को अल्लाह से जोड़ लें, अगर हम इत्र की दुकान पर जाएं तो सच लेने के लिए ना भी खरीदें तो खुशबू तो लेकर वहां जाते हैं,
इसीलिए फरमाया कि यक जमाना सोबते बाउलिया बेजरा सब सालता अदबिया फिखा की तदवीन की फिखा तदवीन कि आप इमाम हैं और फतावे लिखते रहे। मैंने पहले अर्ज किया कि 20 साल तक इशा के वक्त से फजर की नमाज की इमाम अबू हनीफा ने फतवा आपने ये लिखा कि अगर कपड़ों पर नजासत लग जाए, मैंने पहले भी बारहा बयान किया है दर्जात को समझाने के हवाले से कि दर्जे किस तरह से बनते हैं, कपड़ों पर नजासत लग जाए, आपने फतवा ये लिया कि पूरे हिस्से को, छोटे से हिस्से को जहाँ नजासत लगी है धो लिया जाए और नमाज जो है कायम की जा सकती है, पढ़ी जा सकती है, कोई कबाब नहीं है, शरीयत के द्वार से फुका के द्वार से कोई कबाब नहीं है। एक मतलब ऐसा हुआ कि इमाम के अपने कपड़े नजासत में मुलविस हो गए, घर में गए, कुछ किताबों में घर लिखा है, कुछ किताबों में दरिया है, फरात के पास गए, अपने आप को दोबारा से गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, सब कुछ किया, तो पूछने वालों ने सवाल किया कि क्या वजह है इमाम, आपने फतवा तो ये लिखा है कि अगर कपड़ों पर नजासत लिखी तो धोकर नमाज अदा कर लें, और जब आपके साथ ये मामला हुआ तो फिर आपने मुकम्मल मुख्तलिफ अमल का मुजाहरा किया कि कपड़े तब्दील किए नहाए, तो आपने फरमाया कि वो फतवा है और ये तकवा है, वो आमदनाथ की सहूलत के लिए अल्लाह की जानिब से अहले इल्म के दिलों पर एलफा होता है कि मैं मखलूक खुदा को आसानी पैदा की जाए, वो फतवा है, और जो हम अहलुल्लाह होने का दावा करते हैं उससे मोहब्बत के लिए अपने आप को इस्तवार करते हैं, तो हम पर यह है कि हम मुकम्मल दीन की पासदारी करें और तकवे को इख्तियार करें, क्योंकि हसनातुल अबरार सैयातुल मुकर्रबीन, जो आम लोगों के लिए छोटी सी पांच वक्त नमाज, रमजान के रोजे, हज, ज़कात, ये पाबंदियां बहुत हैं, वो जो खवास हैं, ये अहलुल्लाह हैं, जबी तो अहलुल्लाह हैं, क्यों अपनी वर्दी को जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह का हो गया, वो अपनी हर हर अमल को अल्लाह के ताबे कर देते हैं। ये मुख्तसर तारुफ हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तथा आखिरी की नस्ल से शरफुद्दीन हजरत शरफुद्दीन हिजरी में आपकी विलादत होती है और आपके वालिद गिरामी हजरत फखरुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह जो कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल से हैं, साहेब कलाम कादिर कलाम शायर हैं, दीन पर दस्तरस है, शरीयत की पासदारी है, सभी कुछ तो है, इसीलिए एक मौके पर माया खुद हजरत राखी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे कलाम जो कसीदे और रुबाइयां कुतुब में मिलती हैं, एक मौके पर फरमाया इलाज दर्द राखी बजुस तुखासना कुनार, खुद गुली शाह हजरत रहमतुल्लाह के वाली ग्रामी का शेर है ये, इलाज दर्द राखी बजुस तुखासना कुनार तुई के जिंदा कुनी मुर्दरा बे खुन फैकून, ये अल्लाह से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि इराकी के दर्दों का इलाज तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, कि तू ही है जो कुन फैकून की बुनियाद पर कुन फैकून कहकर मुर्दों को जिंदा कर देता है। ये कौन है? हजरत गुली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वाले ग्रामी है, पैदाइश 605 हिजरी में सल्दत साहब की होती है, उससे पहले आपके वालिद गिरामी का मामला जो है, रात में रहते थे, दरवेशों का एक काफिला सा सफर में था, आप भी उनके साथ होकर हजरत बोली शाह सल्दत के वालिद गिरामी जो है वो सफर करते करते मुल्तान शरीफ तशरीफ ले आए, यहाँ आकर दरवेशों के साथ उनका बयान था, वक्त के वली कामिल हजरत बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़ा नाम है मुल्तान के अंदर, तो जब आपकी नजर गौहर शनाद नजर फखरुद्दीन राखी पर पड़ी, खदर गौहर शाह दानत या दानत जौहरी, कि हीरे की कदर या तो बादशाह जानता है या जौहरी जानता है, तो जब नजर पड़ी राखी रहमतुल्लाह अलैह पर तो जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको तलब कर लिया, अपने करीब बुलाया, अपने घर में बुला लिया, बुलाकर जब तवज्जो डाली तो कई मनाजिल तय करा दी, जो लोग पहले से मजाई करके आते हैं, हम अगर कोरा लट्ठा लेकर निकले तो जो रंग चाहे चढ़ जाए और फिर खुद पर खुदपत से किसी अहलुल्लाह की नजर पड़ जाए तो मामला बिल्कुल सब कुछ हो जाए, तो आपके वाले जनाबी पर जब हजरत जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की नजर पड़ी और आपने उनको पहचान लिया, गौहर शनास पहचान लिया कि मखसूस किसी खास खानवादे की शख्सियत है, तवज्जो डाली,
قلب کو روشن کیا یہاں تک کیا اتنی نوازش کی کہ اپنے گھر میں اپنی دامادی کا شرف بچا اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا اور یہ سلسلہ ملتان میں آپ رہنے لگے مگر قسمت کی پہلے جو بھی اللہ کی مرضی یہی تھی کہ ان خاتون کا وصال ہو گیا اور کے بعد پھر آپ دوبارہ اپنے علاقے خراسان چلے گئے وہاں جا کر پھر آپ کی شادی ایک اور خاتون سے فاطمہ بی بی سے ہوئی جو بہت زاہدہ تھی بہت عابدہ تھی اور اس کے بعد اس شادی کے بعد آپ دوبارہ جب ہندوستان پانی پتا گئے اور یہاں جا کے یہاں آ کر قلندر صاحب کی ولادت 605 ہجری میں پانی پت میں ہو رہی ہے قلندر صاحب جب پیدا ہوئے تو 3 دن تک مسلسل زاری کرتے رہے پیدائش کے بعد 3 دن تک مسلسل رونا رہا گھر کے باہر سے ایک درویش گزرا اسے جب آپ کے والد گرانا دوبارہ بلایا کہا کہ یہ تمہارے گھر جو بچہ آیا ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ کے والد گرانی نے حضرت فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ گھر کے اندر لے گئے وہاں جا کر بابا حضرت صاحب کو لا کر ان کے درویش کی گود میں دے دیا گیا اس درویش نے آپ کی پیشانی کو بوسا دیا اور یہ فرمایا کہ یہ اور آپ کے کان میں یہ قرآن کی فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا وَجْهَ اللَّهِ کہ تم جس طرف بھی رخ کرو ہر جانب اللہ ہی اللہ ہے جیسے ہی یہ جملہ اس درویش کی زبان سے قندر صاحب کے کان میں آیا تو خاموشی ہو گئی اور فرمایا کہ تمہارے گھر میں انتہائی برگزیدہ بچہ پیدا ہوا ہے جو خدا شناسی کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ منزل پر ہوگا یہ پیغام دے کر وہ درویش پر روانہ ہو گیا طلب جب مٹ گئی اب ہماری طلبیں مٹ گئی ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ایسا کریں گے کہ ایجوکیٹر میں ڈالیں گے اور بڑے سسٹم آف اسکول میں ڈالیں گے ایسا کچھ کریں گے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مال کمانے کا سلسلہ ہو جائے تم اہل اللہ سے تعلق تم نے خود ہی تو توڑ لیا ہے ترجیحات بدل گئی ہیں اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ جو جن سے طلب ہوتی تھی جنہوں نے محنت کی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے انتظام کرتا تھا اب جب تمہارے قدریں ہی بدل گئیں ساری کی ساری تو سارا منظر نامہ بدل گیا آج وہ واقعات کا خوب بدور کیوں نہیں ہو رہے اتنی ہو رہے کہ طلب نہیں ہے اس کی خواہش نہیں ہے راستہ طے کرنے کا احساس نہیں ہے سلوک کی منزل طے کرنے کا جذبہ دلوں میں نہیں ہے جب یہ جذبہ سر پڑ گیا تو ہم پر وہی چیز مسلط ہو گئی جس کی ہم خواہش کر رہے ہیں ورنہ آج بھی اللہ کا سسٹم اسی انداز میں مصروف عمل ہے صرف طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے معلوم فرماتے ہیں کہ پانی مت تلاش کرو اپنی پیاس بڑھاؤ پانی تمہیں ڈھونڈتا خود ہی آ جائے گا تم نے اپنی پیاسیں کم کر لی تم نے اپنی طلب کم کر لی تم دنیا داری میں ملوث ہو گئے اسی لیے وہ سسٹم چھپ گیا ہاں جس کے دل میں محبت پیدا ہوگی وہ اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا اللہ بار ہمیشہ کے لیے کہہ گئی یہ بات وہ اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا تم ایسا کر کے تو دیکھو صاحب کے کان میں جب یہ پڑھا گیا کہ اللہ ہر جانب ہے تو وہ اللہ کی پہچان کا جذبہ اسی دور میں 3 دن کے بچے میں جو جینیاتی طور پر پیچھے سے پیغام لے کر آئے تھے یہاں تربیت کا انتظام ہو رہا ہے آہستہ آہستہ منزلیں طے کرتے گئے فارسی کیونکہ آپ کی اپنی زبان تھی عربی پر درک حاصل کیا دنیا کے علوم کو سیکھا اور ایک سلسلہ تربیت کا چلتا رہا ہجرت کر کے دہلی میں آپ نے قیام جو ہے وہ اختیار کر لیا دہلی میں قطب مینار کے علاقے میں قوت الاسلام نامی ایک مسجد تھی وہاں درس و تدریس کا سلسلہ قلندر صاحب کا شروع ہو گیا بنیادی علوم دسترس کے بعد کلام الہی اور نبی پاک کے مبارکہ پر درک اور عبور حاصل کرنے کے بعد قوت الاسلام مسجد میں آپ نے دہلی میں درس شروع کیا اور قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے ایک خاص تعلق تھا آپ کا جو دہلی کے بہت بڑے قطب الاختاب ہیں بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنا بیشتر وقت جا کر قطب صاحب کے مزار اقدس پر گزارنے لگے تعلق کی کیفیت ہے میں جو مقصد بیان کیا کرتا تھا اس زمانے میں یہ ہوا کہ میں نے بارہا بہت شرح بس سے بیان کیا ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اب اعلان کر رہے ہیں 200 سال پہلے
कि अबुल हसन खरखानी पैदा होगा, वो मेरा मुरीद होगा, मुझसे इक्तिसाब करेगा, मैं उसकी तरबियत करूंगा। 200 साल के बाद पैदा होते हैं अबुल हसन खरखानी और आपके मजार अकदस पर जाकर जब बैठते हैं तो शेख मुतशक्किल होकर सामने आके बैठ जाते हैं और तरबियत का इंतजाम करते हैं। हम ये सारे सबक भूल गए हैं, भूल गए हम सारे सबक। शेख जिनसे रिजबत है 200 साल पहले ऐलान कर रहे हैं, 200 साल पहले ऐलान करने के बाद उनकी तरबियत का इंतजाम उसी शक्ल में कर रहे हैं। ये सब कुछ कतई मुमकिन है, होता रहा है, सिर्फ तवज्जो दिलाना मकसद है। बहरहाल खलंदर साहब अपना मरला तय कर रहे हैं मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मजार अकदस से खास इक्तिसाब कर रहे हैं। कोई 20 साल तक आपने दिल्ली के चीफ जस्टिस के ओहदे पर काम किया, क्या तबाहे इल्मी का मामला होगा, कैसी वसत होगी कि कैसे बड़े बड़े लोगों की मौजूदगी में 20 साल तक खलंदर साहब पहले मरे। ये तो होता है ना कि पहले तरबियत की जाती है, सारे मनाजिर दिखाए जाते हैं, फिर जो है एक नया जाविया दिखाया जाता है। हजरत मौलाना के साथ भी मामला हुआ और उनके साथ के तलाजमा के जम में गफीर है, खूनिया में दर्द देते हैं, बड़ी बहुत बड़ी खानखा है, मगर जब किसी फकीर की अल्लाह के किसी दोस्त की नजर पड़ी तो टोटल मंजरनामा ही तब्दील हो गया। मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी नशुद, कि अपने सारे मामला छोड़कर अपने शेख के साथ हो गए, फिर कयामत तक के लिए उनका नाम आसमान पर चमक रहा है। पहले तलबियत दी जाती है, कोई जाहिर परस ये ना कह सके कि साहब इनमें तो फला मामले में कमी थी, हर कमी को पूरा किया जाता है। 20 साल तक फतवे लिखते रहे, तरबियत देते रहे दिल्ली में, और एक मरहला मुकम्मल हो गया। एक ऐसा दिन भी आपकी जिंदगी में आया कि आपने दिल्ली की इस गहमा गहमी से हिजरत का इरादा किया, वहां से फिर निकल पड़े, क्योंकि अब मंजरनामा बदलने को जा रहा है, दुनिया को एक और दिखाना है आपका। इल्म मर्तबा दिखा दिया, फैसले दिखा दिए, मखलूक खुदा को फैज पहुंचा दिया इल्मी हवाले से, अब रूहानी हवाले से फैज पहुंचाने का मरहला है। यहां जहां अक्ल की इंतहा है वहां से इश्क की इब्तिदा है, अब इश्क का गलबा होने को जा रहा है। दिल्ली से निकल कर आए जमुना के किनारे, आपने रात को क्याम किया दरिया जमुना के किनारे, और वहां रात का क्याम किया और सुबह उठकर जितनी किताबें अपने साथ लेकर चले थे वो सब दरिया बुट कर दी, दरिया में बहा दी। फरमाया मगर जब इश्क का गलबा हुआ तो अक्ल रवाना हो गई, इंतहाई कमाल के आलम में इल्म के तमाम सफीनों को आपने दरिया इस्तग़राक में गर्क कर दिया। हुक्मनामे में ये सारी तफसील आपने खुद लिखी कि जब मुझ पर अल्लाह की जानिब से अल्लाह के खुसूसी फजल की बुनियाद पर मेरे दिल पर अल्लाह के इश्क का गलबा हुआ तो दुनिया की ज़ाहिरी तमाम चीजें मेरी नजर में हकीर होकर रह गई। किताबें सारी दरिया बुट कर दी और आपने खुद अपने हुक्मनामे में ये बात लिखी है जो आपकी अपनी तहरीर है, बहुत सारा कलाम है आपका, लिखी है कि मेरे मुझे अल्लाह ने चार फजीलतों से बयान किया, इल्म शरीयत, इल्म तारीखत, इल्म हकीकत और इल्म मारफत, ये तमाम शोबे अल्लाह ने अपने खुसूसी फजल से मुझे दिए। वहां से निकले, किताबें दरिया में बहा दी, इश्क का गलबा हुआ, मंजरनामा बदल गया, सफर और सियाहत का सिलसिला शुरू हुआ। सफर करते 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 खूनिया शरीफ पहुंच गए, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात। इसके एक बहुत बड़ा नाम है ना मौलाना का, कुतुबुल अख्ताब है मौलाना, तो जो उन्हीं का दौर एक ही दौर था जो सफर करते करते मौलाना, और मौलाना से इक्तिसाब इल्म किया, इसीलिए आपकी मसनवी शरीफ में, खलंदर साहब की मसनवी शरीफ में हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का रंग नजर आता है। आपके उस्ताद सिराजुद्दीन मक्की रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया, ठीक है खलंदर साहब बहुत से लोगों से मिले, मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से भी निस्बत रही, जाकर वहां बैठते रहे, आप ये बताइए कि इनके शेख कौन हैं? तो बगैर किसी झिझक के आपके उस्ताद सिराजुद्दीन मक्की रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इनको खास फैज हासिल है मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम, खास फैज हासिल है, किसी और से इक्तिसाब बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि मिल रहे हैं बैठ रहे हैं, मगर इन पर खुसूसी फजल किसका है? मौलाए कायनात हजरत अली का खास फजल है कि आपकी निस्बत उनसे डायरेक्ट है, बिला वास्ता है। सफर के बाद
चुनाव के किनारे हमारे ही पाकिस्तान में इलाका है, चुनाव के किनारे आपने मुख्तलिफ हवाला जात ने अगर यकीन करें बयान किया जाए तो कई हफ्ते कम है। मैं करता कोशिश तो ये करता हूँ कि एक महफिल में इतना मवाद तो इतनी इंफॉर्मेशन तो लोगों के हिस्से में आ जाए कि कम से कम अहलुल्लाह की पहचान तो हो जाए, कि नाम याफ्ता लोगों के तस्करे हम जो भूले बैठे हैं उनकी भी रिवीजन हो जाए। आइंदा भी इंशाल्लाह यार जिंदा सोहबत बाकी, अल्लाह ताला ने जिंदगी ने वफा किया, अल्लाह की मर्जी हुई तो ये सिलसिले शरोबत से जारी रहेंगे इंशाल्लाह। चुनाव के किनारे वो मुकाम है पाकिस्तान ही में है जहाँ आपने तवील मुजाहिदा किया, 12 साल तक आप मुख्तलिफ किताबों से अंदाज में हैं, कहीं ये है कि आपने रियाजतें और मुजाहिदे की, कहीं ये है कि आपने पानी में खड़े होकर रियाजत की, दरिया के किनारे आपकी जो हुजरा था झोपड़ी थी आप उसी दरिया के किनारे वहाँ इबादतों और रियाजतों में मशगूल थे। बहुत बड़ी आलीशान किस्म की इमारत यहाँ तामीर है चुनाव की उस मुकाम पर जहाँ आपने इजाजत की थी, बिल्कुल उसी अंदाज की है जैसे पानीपत में है, वो तामीर की गई है किसी अहले सरबत ने बहुत पैसा खर्च करके वहां बनाई है। वहां आपके लगेज में 12 साल तक आपने सख्त मुजाहिदा किया। एक मरतबा इल्खा हुआ, इल्खा कैसे होता है, ये जो ख्याल दुनिया तलबी के ख्याल के हजूम हमारे दिलों पर रहते हैं, जब ये कम होते चले जाएं और ताल्लुक बिल्लाह की कैफियत पैदा हो जाए तो जो कुछ कल्ब में आता है वो अल्लाह की जाने से होता है और जो कुछ दुनिया तलबी की वजह से आता है वो इबलीस लईन और नफ्स की वजह से होता है। जब मुसफ़ा और मुजल्ला हो जाता है, एक मिसाल और देता हूँ मानो की मंत्री से कि नहर बह रही है, पानी साफ और शफाफ है, जो खजूर का दरख्त बाहर लगा हुआ है वो नहर का हिस्सा नहीं है, वो बाहर दरख्त लगा है साया नहर में पड़ रहा है। तो अहलुल्लाह जब बैठे होते हैं तो इनके दिल इतने मुसफ़ा मुजल्ला होते हैं कि उनके अपने ख्यालात की यलगार नहीं होती, जो भी ख्याल आता है वो अल्लाह की जानिब से आता है या आने वाला साहिल वो सवार लेकर आता है तो मालूम हो जाता है कि आने का मंशा क्या है। एक नुक्ता देकर गुजर रहा हूँ, 12 साल तक विरादत की तो ऐसा हुआ कि अल्लाह की जानिब से कि वो अली शरफुद्दीन क्या चाहता है, शरफुद्दीन क्या चाहता है, अर्ज की अली बनना चाहता हूं, अली बनना चाहता हूं। जवाब आया कि अली यक्ता और तनहा है, कोई और अली नहीं बन सकता। खामोश हो गए। 3 साल तक मजीद सबके बाद 3 साल के बाद फिर यह सवाल उठाया गया कि क्या चाहता है, इस बियादत का मकसद क्या है, ये मेरे शाह का क्यों है। काम करते हैं मुस्लिम कुतुब के संदर्भ में आया कि हज़रत ही का मौजूद तमसीली तौर पर तशरीफ लाते हैं और आकर आपको बगल गिर करते हैं, उनको लपटा लेते हैं, लपटा लेने की वो खुशबू पैदा होती है जो माहौल में पहले नहीं थी और लोगों की जबान पर आपका नाम बू अली बू अली बू अली जारी हो जाता है कि अली की खुशबू वाले, अली की खुशबू वाले, अली की खुशबू वाले। और कलंदरान शान क्या है कि जो अपने आप को अल्लाह के लिए मिटा देता है। मैंने मुसलसल इस बात को पिछले 2-3 नशस्तों में कह रहा हूं, जब अल्लाह इरादा कर लेता है कि किसी को नवाजना है, किसी को नवाजना है, तो फिर होता क्या है कि जिब्रील अमीन को तलब कर कर ये फरमाता है कि जिब्रील मैं फला फला से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। जो अमानतदार फरिश्ते हैं, फरिश्तों के सरदार हैं, वो अल्लाह के इस पैगाम को समझ लेते हैं और आसमान के तमाम खलायक को ये बता देते हैं कि अल्लाह ने मुझे ये पैगाम दिया है कि मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। तो हम सब पर वाजिब है आसमानी खलायक पर कि हम उस शख्स से मोहब्बत करें। और इस पर आते आते इन मरहलों इन मंजिलों तक आ जाता है कि लोगों के दिलों से दिलों में और जबानों से बात जारी हो जाती है जो अल्लाह की मर्जी होती है, बनाने वाला खुद इस चीज को जारी करता है। तो दूसरे दिन से वो अली कलंदर के जलाल की कैफियत भी बहुत खूब रही, बहुत खूब रही। सूरज का मामला ये है जो खलायक में से अल्लाह की तकलीफों में से एक तकलीफ ही तो है, मगर क्या हर कोई सूरज को देख सकता है? जब हर कोई सूरज को नहीं देख सकता तो सूरज के बनाने वाले रब को देखने के हवाले से कितनी रियाजतों और मुजाहिदों की जरूरत है। और जिसने मुजाहिदे कर लिए और उसको राजी कर लिया तो उसकी क्या कैफियत होगी? खलंदर साहब की जबान है अतहर से, इस्लाम से, अली अलैहिस्सलाम की वजह से जो जबान से निकालते वो पूरा हो जाता है।
जो जबान से निकालते वो पूरा हो जाता और फिर कुछ ही अरसे में कलंदर साहब का एक एक गुलगुला था पूरे इलाके में, पानीपत में जो है वो मशहूर हो गया। आपकी आपकी करामात कशफ करामात का मामला जो भी आपकी जबान से निकलता अल्लाह ताला उसकी लाज रखता और यकीन बिल यकीन वो बात जो है पूरी हो जाती। एक मरतबा ऐसा हुआ कि वक्त के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का बेशुमार कई बादशाहों का दौर आपने देखा है और हर दौर में आप मकबूल रहे। अलाउद्दीन खिलजी के जमाने का वाकया है कि हजरत साहब के मुरीदी मुतालकीन थे, जब जब वकील होता था बाजार में कुछ हुल्लड़ सी मची और वक्त के बादशाह के सिपाहियों ने आपके आपके मुरीदीन को हमारा पीटा। वो आकर शिकवा लेके बैठ गए हजरत साहब के पास, जो सामान सिपाहियों ने मारा है। हजरत साहब ने खत लिखा वक्त के बादशाह को, बागीरियां मिले बद गौहरे, बागीरियां मिले बद गौहरे, वरना बख्शम मुल्क तो बादी गरे, कि अपने बुरे आमलों को समझा लो वरना तुम्हारी हुकूमत मैं किसी और को दे दूंगा। कि जब अल्लाह से लोग मिल जाते हैं तो तसर्रुफ का आलम यह होता है कि हुकूमतें उनके इशारों पर तब्दील हो जाती हैं और अल्लाह के इस मुकाम को जाहिर परत भी जानते हैं। जो काम हम नहीं कर सकते इन्होंने करके दिखा दिया है, ये अमल से गुजर चुके हैं। जब यह खत लिखा वक्त के बादशाह को, जो उसने पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसमें कब कभी तारीफ हो गई। हजरत साहब को जलाल की कैफियत ऐसी थी, उसने क्या किया, मेरे पुत्र रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि खुद भी नदीम थे, बहुत साहिबुल साहिबुल कलाम सादिल कलाम शायर थे, निजामुद्दीन औलिया अलैह रहमा के खास खास लोगों में खास नजर जिन पर उनके आपके शुमार उनमें होता है। तो उसने कोई और हजरत साहब का सामना नहीं कर सकता, आप जो है मामला फहम भी है, काजरुल कलाम भी है, चहीते भी हैं अपने शहर के, तो ये फरीदा सिर्फ आप ही अंजाम दे सकते हैं कि आप जाकर हमारा मामला उनसे सीधा करा दीजिए। उनका कोई भरोसा नहीं है कि हमारे कान मोड़ कर या हमें फारिग कर देंगे और जिसको चाहेंगे ला के बैठा देंगे। कैसा वक्त होगा सोचें कि नीचे से लेकर ऊपर तक आपकी आपकी तफक्कुर इल्मी और आपके मुजाहिदों रियादों को कैसा असर होगा। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाते हैं और लाकर लाकर जो है हजरत साहब से मुलाकात करते हैं। हजरत साहब भी खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को बहुत पसंद करते थे, तो कलाम सुनाया, फरमाया कि मुझे अपना ताज़ा कलाम सुनाओ। हजरत साहब ने खुसरो साहब ने अपना कलाम सुना, ने एक मौके पर मुझे ये हुक्म दिया था कि जब आप तकरीर शुरू करें तो जो अहबाब बैठे हों, अहले इल्म जो बैठे हों, करीब करीब बुला के बैठा लीजिए, सबके नाम इसमें ले सकते हैं लीजिए। जब तकरीर कर के दरमियान कोई भी शख्सियत आए तो इजतनाब बरतिए क्योंकि तसलसल टूट जाता है। उसके बावजूद मैं आजजाना तौर पर ये कहना चाह रहा हूँ कि क़ायदे तरीक़त जनाब हातिम चौहान साहब गार्डन के इलाके से इस वक्त रात के इस पहर यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये इनकी मोहब्बत और मोहब्बत और शफकत है इस फकीर पर कि आप इसकी रहमत हाली में यहाँ तशरीफ लाए। मैं अपने शहर के कुम से गुजरदानी ही करने का मोर्चा कि वो रहा हूँ, मगर ये क्या करेंगे, खानखाइयत यही है कि बा अदब बा नसीब बे अदब बे नसीब। अदब ये सिखाता है कि मैं आपको जजाकल्लाह, अदब ये सिखाता है कि मैं आपकी आमद पर आपको खुश आमदीद कहूँ। खान साहिबिया गुलजार सईदिया के तमाम सरकरदार खान और खुद्दाम की तरफ से मैं आपको इस मजलिस में खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता करे। और मैं यह अर्ज कर रहा था दोस्तों कि खलंदर साहब
کے پاس خسرو کو بھیجا جا رہا ہے، وقت کا بادشاہ خسرو رحمت اللہ علیہ سے یہ چاہتا ہے کہ سفارش کرے، کیونکہ سفارش بھی اسی کی جاتی، اسی کی قبول کی جاتی ہے جو مقام و مرتبے پر ہوتا ہے۔ تو صاحب نے اپنی غزل سنائی، بعد میں قلندر صاحب نے اپنا کلام پیش کیا، خسرو رونے لگے۔ تو قلندر صاحب نے سوال کیا کہ خسرو کو سمجھے، تو فرمایا اسی بات کا تو رونا ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ معاملہ فہم تھے، مزاج شناس تھے، تو عاجزانہ انداز اختیار کرتے ہوئے یہ کہہ کر سچویشن سے نکل گئے کہ اسی بات کا جو مجھے رونا ہے کہ آپ کے کلام کو سمجھنے سے قاصر ہوں، یہ میری کم مائگی کا احساس ہے۔ اس ادا کو الیگزینڈر صاحب نے پسند کیا، اور پھر بات آگے بڑھ جائے گی، اور چلی جائے گی۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حضرت صاحب ہی پر گفتگو ہو۔ خسرو علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ کا وقت آئے گا تو اس پر گفتگو کریں گے ان شاء اللہ۔ نظام الدین علیہ رحمہ کا تذکرہ آئے گا تو اس پر ان کو شرافت سے بیان کریں گے۔ اور سلسلہ مختصر یہ قلندر صاحب نے کسی خسرو کی سفارش پر انہوں نے پھر وقت کے بادشاہ کو معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ نے ریاضتوں کی کیفیت میں تھے، سخت مجاہد و ریاضتی روز آپ کے رہتے تھے، جس میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 12 سال تک مستقل ریاضت کے بعد آپ کے حصے میں خوشبوئے علی علیہ السلام آئی۔ میں تک مرحلہ تھا تو ایک گروہ جو ہے شادی بیاہ کی رسومات ادا کرتا ہوا، ڈھول تاشے بجاتا ہوا وہاں سے گزر رہا تھا۔ قلندر صاحب کو خاص کیفیت، اپنی کیفیت کی وجہ سے جلال سا آ گیا، جو نظر ڈالی اس مجمع پہ تو پورا مجمع نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دولہا دلہن سارے باراتی غائب ہو گئے، ان کے زمین پہ کوئی وجود نہیں ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں تو نہیں مل رہے، کہاں چلے گئے، زمین نکل لی یا آسمان نے کھا لیا۔ جو لوگ روتے گاتے قلندر صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے صاحب یہ کیا معاملہ، کہنے لگے میری طبیعت پر ایک خاص قسم کا بوجھ ہوا، میری ایک سوئی متاثر ہوئی، میرے اور میرے رب کے درمیان یہ ڈھول تاشے کی آواز نے مشکل پیدا کر دی، اب اس کا حل صرف یہ اگر اگلی منزلوں پہ پہنچ گئے تو ان کی زندگیاں ہی ہمارے لیے مثال رہا ہے۔ تو ہم پیٹرن کو اختیار کریں، اس انداز میں سوچیں، وہ اعمال ہم سے سردد ہوں، اس انداز کی فکر ہم اختیار کریں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر منظر نامہ بدل جاتا ہے۔ ایک واقعہ سہمنی کے حوالے سے اور بھی ہے، کسی چیز کو جب پروموٹ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی تشہیر کی جاتی ہے، ان اعمال پر لوگوں کو راغب کیا جاتا ہے، ان کے معاملات میں آسانی پیدا کرنے کا شعوری عمل قرار دیا جاتا ہے۔ کچھ خواتین آپ کے پاس آئیں اور آ کے انہوں نے اپنے اولاد کے حوالے سے درخواست لگائی، ہماری اولاد نہیں ہے۔ مدد صاحب نے پان کھا کر کچھ چبا کر ان کو دے دیا کہ کچھ کھا کر، خواتین نے وہ پان کھا لیا۔ ایک نے کراہیت کا اظہار کیا کہ بھائی یہ اوپر جیتا ہے، کیسے کھا لیا، کراہیت سے اظہار کیا تو پان کا چھوٹا سا ٹکڑا لیا کر اس نے پتھر ہی مجھے دبا دیا، اس نے کھا لیا، یہ خواتین نے کھا لیا۔ تو 9 مہینے کے بعد وہ عمل مکمل ہوا، ان کے گھر ولادت ہو گئی، ان کو اللہ نے اولاد سے نواز دیا۔ اس کے ساتھ جب وہ خواتین آئیں تو ایک گودوں بچے نے سوائے اس خاتون کے جس نے پان نہیں پایا تھا، سب خوشی خوشی تھی۔ اور آپ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جب تمہارے گودوں میں بچے اللہ دے دے تو ہمارے لیے سہمنی بنا کر لانا، نیاز کا انتظام کر۔ بچوں کے ساتھ اور سہمنی کے ساتھ وہاں پہنچ گئی، جس کو اولاد نہیں ہوئی تھی اس کو بڑا قلب، بڑا افسوس، اس کا دل بڑا بجا بجاتا تھا، آگے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حضرت صاحب فرمایا کہ تیرا بچہ جو ہے وہاں پتھر کے نیچے ہے، اس نے یہ عمل وہاں مکمل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکم اور سلگوں کا محتاج نہیں ہے، وہ چٹان سے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر کسی واسطے کے جنت میں مینڈا بنا سکتا ہے، بغیر کسی واسطے کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، تو وہ پتھر کے نیچے بچہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ جب عورت جا کر وہاں دیکھتی ہے تو 9 زائدہ بچہ وہاں پر پڑا ہوا ہے، اٹھا کر لے آتی ہے حضرت صاحب کے پاس۔ حضرت صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس کو دودھ پلا، جیسے وہ سینے سے لگاتی ہے تو اس کے سینے میں اللہ دودھ بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے دوستوں کا انعام ہے، صرف پیغام اس میں یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کیا۔ یہاں پر یہ ہے، ہم کرتے تو نہیں ہیں اور تقاضے کرتے ہیں، تو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر کے دیکھیں۔ مگر آج بھی ابراہیم کا ہی پیدا آپ کا سختی انداز فرشتہ پیدا، کہ آج بھی تبدیلی جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں میں اگر نمی پیدا ہو رہی ہے
اخلاق نیت کے ساتھ شعوری طور پر عمل کرنے کا ارادہ پیدا ہو رہا ہے یہی اس دور کی بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ خانقاہی طرز فکر کے تحت یہاں کی اس روشنی کو چار دام میں عالم میں پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے ایک واقعے کے بعد میں دیکھتا ہوں جب قلندر صاحب حضرت حضور علیہ الرحمہ بات آئی جاتی ہے تو ہوئی جائے حضور علیہ الرحمہ سے حضرت صاحب نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں بہر افلاک میرے شیخ کا شعر ہے بہت توجہ سنیے گا بہر افلاک لگتے ہیں وہاں دربار روزانہ آج بھی 2010 کا یہ کلام کا یہ نعتیہ کلام کا شعر ہے حضرت شفیق احمد فاروقی جامعہ دورہ ساکن مدینہ مروڑہ کا بہر افلاک لگتے ہیں وہاں دربار روزانہ آج بھی ہر آسمان پر دربار لگا رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے محبت کرنے والوں کا ایک جمع غفیر وہاں نظر آتا ہے وہاں اخلاق لگتے ہیں وہاں دربار روزانہ وہ شرکت وقت واحد میں بہر میخواست کرتے ہیں اور اللہ کے نبی ایک ہی وقت میں ہر دربار میں دلوا کر ہوتے ہیں کیا وجہ ہے کہ تمہارے شیخ نظام الدین اولیاء رحمہ اس خصوصی بارگاہ میں نظر نہیں آتے دوسرے بہت نازک ہیں اپنے شیخ کے حوالے سے محبت کے حوالے سے بڑے رفیق القلب ہیں اور بہت جذباتی بھی ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے اپنے شیخ سے آگے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے حضرت صاحب نے ایسا سوال کیا نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب حضرت صاحب اگر تجھے لے جا سکتے ہیں تو اپنے ساتھ لے جائیں کیونکہ ہے کہ تم میری بیان میں تھوڑی سی ہو مگر مقصد یہ ہے کہ پیغام کو اجاگر کرنا ہے جب تیل جلتا ہے تو روشنی پیدا ہوتی ہے تو نظر روشنی پر ہے تیل پر نہیں ہے معنویت پر نظر ہے وہ رات اس کا مختصر یہ کہ ٹھیک ہے اب جب قلندر صاحب اس منزل میں جائیں تو پھر دیکھیں کیا مدرنامہ ہوتا ہے خسرو بھی ساتھ قلندر صاحب کے ساتھ اس منزل میں بچے اس کے اوپر کی منزلوں پر جب جاتے ہیں اور جا کر جب دیکھتے ہیں تو واقعاً سبھی احباب موجود ہیں اللہ کے حبیب حبیب موجود ہیں مگر نظام الدین اولیاء نظر نہیں آ رہے ہیں پہلے آسمان پر دوسرے آسمان پر تیسرے آسمان پر چوتھے آسمان پر جب گھومتے پھرتے ہیں تو پھر وہ کلام ہے خسرو کا نبی دونم کے منزل بھول شک جوئے کے من بھولا بہر صورت رقص بسمل بھول شک جوئے کے من بھولا خریفے کر نگارے سر مخد لال رخسارے سراپا آفت دل بھول شک جوئے کے من بھولا یہ خسرو کا وہ کلام ہے کہ خسرو دیوانہ بار اپنے شیخ کو اوپر کی آسمانوں کی ان محفلوں میں ڈھونڈ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کر رہے ہیں سراپا بری بے کر نگورے سر بخد لال رخ سارے سراپا آفت دل بھول شب جوئے کے من بھولا میں سمجھتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے حوالے سے اس سے بہترین الفاظ اور اشعار ہو ہی نہیں سکتے علی کا سراپا بیان کر رہے ہیں لوگ گھومتے پھر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے کہ سب ہیں نظام الدین اولیاء نہیں ہیں وہ محبوب الہی کا مقام و مرتبہ اشارہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ خلوت خانے میں اندر گھر کے لوگوں کے ساتھ موجود ہیں کون نظام الدین اولیاء الرحمہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ محبوب الہی ہیں اور اللہ کے نبی کے خانوادے گھر کے افراد کے ساتھ اس لیے رہتے ہیں کہ انہوں نے مزید منازل طے کی ہیں عام مجلس میں عام لوگ بیٹھتے ہیں اور خواص کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خانوادے کے ساتھ بیٹھتے ہیں سبحان اللہ بری پہ کر نگارے سر مخد لال رخسارے سراپا فتح دل بود شب جوئے کے میں شب جوئے کے من بودا خدا خود میر مجلس بود اندر نامکان خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرو محمد شمع محفل بود شب جوئے کے من بودا آج کی نشست کے اختتام پر حضرت صاحب علیہ الرحمہ کا ایک کلام جو اکثر محافل میں پڑھنے کا شرف بھی فقیہ حاصل کرتا ہے حضرت صاحب کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے
हमने दिन बनाया कि आखिर में सदर साहब का वो आरफाना कलाम वर्फा यहाँ तशरी फरमाएँ अल्लाह यहाँ तशरी फरमाएँ उसके चंद अशार पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। उसके बाद इन शाला ये महफिल अपने अख्तामी मंजिल पर पहुँच जाएगी तो फिर अनाज है वो आप लोगों की नज़र करने हैं इन शाला। सदर कलाम यकीन है सामयीन लताफतों को ज़रूर महसूस करेंगे। महवे जमाल नबी दानम मनम मनम महवे जमाल नबी दानम सुजारफतम सुदम करके विसाले नमी दानम उजारफतम सुदम करके विसाले नमी दानम उजारफतम गुलामे रुइये उबुदम मसीरे मुइये उबुदम गुलामे रुइये मसीरे मुये उबुदम गुबारे कुये उबुदम नमी दानम गुजारफतम गुबारे गुबारे कुये उबुदम नमी दानम गुजारफतम मनम महवे जमाले नमी दानम उजारफतम वहाँ है आशना गशतम जानो दिल फिदा गशतम वहाँ है आशना गशतम जानो दिल फिदा गशतम फना गशतम फना गशतम नमी दानम उजारफतम सुदम चू मुगतलाये निहादम सिर्फ पाये सुदम चू मुगतलाये निहादम सिर्फ पाये सुदम महबिल खाये नमी दानम उजारफतम मनम महवे जमाले नमी दानम गुजारफतम कलंदर ऊ अली हसतम बनामे दोस्त सरमसतम कलंदर ऊ अली हसतम बनामे दोस्त सरमसतम दिलंदर इश्क़ उपसतम नमी दानम गुजारफतम दिलंदर इश्क़ उपसतम नमी दानम गुजारफतम मनम महवे जमाले नमी दानम गुजारफतम और आपको महमत करे कि हम आपसे इंतजार कर सकें। ये सारे वो चैनल हैं नौजवान दोस्तों जो आज भी उसी शान व मान के साथ मौजूद हैं। कभी से भी इस वक्त की बात की है कि हम उनसे रजू नहीं कर रहे हैं। अगर हमसे रजू करें कि सारे सवाब के जो तरीसा और अफा ने मरवज किया है उसका फ़ायदा सिर्फ यही है कि जब हम इशारे सवाब करते हैं तो उन शख्सियात से हमारा हमारा ताल्लुक पुख्ता से पुख्ता होता चला जाता है। अल्लाह ताला हम तमाम के हाल पर अपना खुसूसी फजल करें। कुछ ऐलानात हैं मोहतरम मुनासबत से एक रुबाई भी है उर्दू ही में है तमाम लोगों कोशिश गुजार करता हूँ कि सुबह शाम अगर सात मरतबा
तीन मरतबा दुरूद शरीफ आगे पीछे पढ़कर अव्वल आखिर पढ़कर इसको दोहरा लिया जाए तो घरों में हर किस्म की आफात और बलहियात से अल्लाह ताला की जानिब से तहफ्फुज़ का एहसास पैदा होगा। क्योंकि रबीउल अव्वल की आमद है तो इससे पहले यह मंजरनामा है आमना के पुत्र अब्दुल्ला का जाया भाग रे बाबा मेरे घर मोहम्मद आया। उम्मती होने का तकाजा तो ये है कि हम हर 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 दायरा बशरियत के दौर में आप अलैहिस्सलाम से रजू करें। ये कासिम चौहान साहब ने मुझे भिजवाई है आमना का पुत्र अब्दुल्ला का जाया भाग रे बाबा मेरे घर मोहम्मद आया। तो जिस घर में उनके कदम आ जाएंगे क्या कोई मनफी ताकत वहाँ रह सकती है? कभी भी नहीं रह सकती। तो अहबाब चाहे तो ये असलम निजामी साहब या अब्दुल बारी साहब के जरिए इसको हासिल कर सकते हैं और सुबह शाम सात मरतबा इसको पढ़ लिया जाए अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। ये वो मुजर्रब अहलेदार के नुस्खे हैं जो सदियों से मुराविज हैं। हम इनसे दूर होकर हजारों रुपए के चढ़ावे अस्पतालों में चढ़ा रहे हैं फिर भी हमें सुकून कल मैसर नहीं आ रहा। एक और ला इलाहा इल्लल्लाह ला दो ला दो मेरी रोजी में बरकत के लिए वजीफा है जो हज़रत साहब ने मुझे नज़र किया है तमाम अहबाब जो है मुझसे हासिल कर सकते हैं जब चाहें। इसके अलावा बहुत अहम ऐलान है जन्नतुल मुबारक है हमारे शेख आदि शाह शफी अहमद फारूकी जामिए दौरान साकिन मदीना मुनव्वरा के कलाम का एक शेर मैंने आप लोगों के नज़र किया है। कल इंशाअल्लाह बाद नमाज जुमा यहाँ साहब का जदीद कलाम जो मदीना मुनव्वरा से यहाँ आता है आप हर नमाज जुमा के बाद उसको पढ़ते हैं। सामईन में से जो चाहे आके अपने कानों को अपने गोशों को मदीना मुनव्वरा की सदाओं से जो है रोशन कर सकते हैं अपने साथियों को वहाँ के नूर से मुनव्वर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और अहम ऐलान है अगले पीर को इंशाअल्लाह की महाना पारा की महफिल होगी और तमाम सुल्फ़ा के बाद सिलसिले के तमाम ही अहबाब मौजूद होते हैं। क्या ही अच्छा हो कि इस नशिश के सामईन जो है वो भी अपने आप को 12 तारीख के लिए तैयार करें और मियां साहब सिबला का बयान मदीना मुनव्वरा से होता है जो 12 की नशिश की खसूसियत है। हमारे शहर के मवायद आपका बयान मवायद हसना जो है हमारे हिस्से में 12 तारीख की नशिश में आती है और इंशाअल्लाह क्योंकि सफ़र के महीने में दादा साहब अली जिब्रील रहमतुल्लाह अलैह बहुत करीब आता है 20 सफ़र को उससे पहले अगली जुमरात को 18 सफ़र इंशाअल्लाह होगी तो हम दादा साहब की याद को इसी अंदाज में आज मना लेंगे जैसे हमने आज सलंदर साहब की याद को मनाया है। हमारे इस खत्ते की बहुत बड़ी शख्सियत दादा अली जिब्रील रहमतुल्लाह अलैह इंशाअल्लाह अगले हफ्ते का जो बयान है वो हज़रत दादा अली जिब्रील रहमतुल्लाह अलैह की दाद मुबारक होगा। ये आज की इस नशिश का अख्तितामिया है। मुख्तसरातुस्सलाम दादागिया की बारगाह अक़दस में बहुत बेहतर अंदाज में इंतजामिया ऊपर की मंजिल के इंतजाम करती है। तमाम लोग इंतहाई यकसुई और बहुत इत्मीनान के साथ ऊपर तकलीफ ले चलेंगे और लंगर जो कि तबारुक है हमारे शहर की जानिब से इस खानखा की अजमतों में अजमत है कि आपने ये सिलसिला यहाँ जारी किया है और ये सिर्फ शिफा का मज़हर है। इसके हिस्से में जितना भी आ जाए वो मुकम्मल शिफा है। अल्लाह हम तमाम के हाल पर फजल करे।